हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं भी डूइंग ग्रेट। सो गाइस, शिमला और मनाली के वेदर की अपडेट देने से पहले मैं आपको एक लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बट उससे पहले गाइस, मैं आपको बता दूँ कि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है मेल एज़ वेल एज़ फॉर फीमेल्स। मेल के लिए कैसे होने वाली है और फीमेल्स के लिए कैसे होने वाली है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो गाइस, अभी मेरे पास आप देख रहे होंगे ये प्यारा सा बैग जो कि है ज़ूक कंपनी का। एज यू कैन सी, यहाँ पे टैग भी लगा है ज़ूक का, और आपने देखा होगा कि पहले भी मैंने इसका बैग मंगवा रखा है। तो इसके अंदर ना खजाना भरा पड़ा है, खजाना वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बट पहले आपको मैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस बता दूं, मतलब इसके बारे में कुछ मैं आपको खासियत बता दूं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, जो आपको इसके ऊपर ये वर्क दिख रहा है ना किया हुआ, ये वर्क 100% मतलब हाथ से किया गया है। और ये बैग पूरा का पूरा बना है वीगन, जो होता है ना एक प्रोडक्ट वीगन, जिसमें कोई भी पशुओं को हार्म करके उनसे कोई मतलब उनका कोई प्रोडक्ट यूज़ इस चीज़ को बनाने में बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो ये 100% वीगन है। और गाइज, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूं कि ये इंडिया में ये चीज़ जो है, ये इंडिया की कंपनी और इंडिया में ये बना हुआ है बैग, और हम लोगों को इंडिया को प्रमोट करना चाहिए ना, वो भी ऐसी चीज़ों को जो 100% वीगन हो। और ये श्योरिटी देती है कि ये 100% वीगन है, इसमें किसी भी पशु को हार्म वगैरह करके उनसे कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ उनकी नहीं यूज़ की गई है इसको बनाने में। और गाइस, एक बार आप ये पैटर्न देख लो, कितना ब्यूटीफुल है और कितना बड़ा ये बैग है। मतलब इजीली आप इसके अंदर मतलब 3 सूट आप इसके अंदर इजीली कैरी कर सकते हो, साथ में आपका जो वॉलेट होता है वो आप कैरी कर सकते हो, और भी बहुत सारी आइटम्स आप इसके अंदर कैरी कर सकते हो। और इसके अंदर दिखाती हूँ मैं अभी आपको, बट उसके पहले मैं अंदर से इसका खजाना निकाल लेती हूँ। तो गाइज, इसके अंदर एक और बैग है, ये भी ज़ूक का है, और दिस वन इज़ माई फेवरेट। इसकी वीडियो जिसने नहीं देखी उसकी भी मैं लिंक में लगा दूँगी। ये भी ज़ूक का, एज यू कैन सी यहाँ पर इसका टैग लगा हुआ है, देखो। This one is my favorite. ये मेरा फेवरेट है, ये मैंने पहले लिया था कुछ टाइम पहले, और अभी मैंने फिर से ये वाला बैग मंगवा दिया, क्योंकि ये तो मेरे डेली जो होता है डेली यूजेस के लिए मेरे पास ये वाला बैग सही है, बट मुझे थोड़ा सा बड़ा बैग चाहिए था तो ये वाला है। और गाइज, इसके अंदर एक और खजाना है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, उससे पहले मैं आपको इसके अंदर की कंपार्टमेंट दिखा देती हूँ। तो गाइज, इसके अंदर की अगर स्पेस की हम बात करें तो इसमें बहुत सारा स्पेस है, एज़ यू कैन सी भर भर के स्पेस है इसमें। और इसके अंदर आप लैपटॉप, अगर आपके पास लैपटॉप है वो आप इसके अंदर कैरी कर सकते हो, प्लस साथ में इसमें इधर साइड में 2 कंपार्टमेंट्स दिए, मतलब 2 छोटी छोटी पॉकेट दी थी, जिसमें एक में मैंने अपना पर्स भी रखा है, ये एक वाला और ये दूसरे वाला। और अगर आपने पेन वेन रखना है तो पेन वेन रखने के लिए भी यहाँ पर जगह है। तो गाइज, दिस इज़ सो मच यूज़फुल थिंग। और अब मैं बता देती हूँ कि जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, स्पेशली पहले बॉयज़ के लिए बताती हूँ, ठीक है, वो बात छोड़ो बॉयज़ के लिए। तो गाइज़, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को कुछ बेस्ट सा गिफ्ट करना चाहते हो ना, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन गिफ्ट, क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है। और इसमें आपको डिफरेंट पेंट प्रिंट्स जो है वो मिल जाएंगे, आप कोई भी प्रिंट चूज़ कर सकते हो, किसी भी प्रिंट में आप इसको बाय कर सकते हो। ऐसा बैग आपको लेना है क्योंकि कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए या फिर ऑफिस गोइंग वुमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए दिस इज़ परफेक्ट वन। अब मैं आपको एक और बात बता दूं गाइस, कि इसकी जो चेन है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पर्सेस में देख रखा है कि ये अच्छे से काम नहीं करती है, बट दिस वन इज़ वेरी मच स्मूथ। और जब आप इसको कैरी करते हो इतना एलिगेंट सा लुक ये देता ना, मतलब एकदम आपके लुक को कम्प्लीटली ये चीज़ चेंज कर देती है। तो गाइज़, ये तो थी पर्स की बात। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज, पर्स तो आपने ले लिया, साथ में जब भी हम कहीं पे जाते हैं, हम लोगों को जीन्स वियर करनी होती है, या हम लोग शॉर्ट्स वियर कर रहे हैं, या फिर सूट वियर कर रहे हैं, है ना, कुछ भी वियर कर रहे हैं, तो हम लोगों का हमेशा ये रहता है कि कुछ हम लोगों को फुटवियर चाहिए, वो भी एकदम ऑसम सा चाहिए जो हमारे हर एक चीज़ के साथ जाए। लाइक हम लोग कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं और हम लोगों को वहाँ पे शॉर्ट भी वियर करना है, हम लोगों को जीन्स भी वियर करना है, हम लोगों को सूट भी वियर करना है, और हम लोगों को कुछ ऐसा कम्फर्टेबल सा फुटवियर चाहिए जो हम लोगों की सारी ड्रेसेस के साथ जाए। साथ में एक और बात है कि बहुत सारी ऐसे फुटवियर्स होते हैं जो अपनी तरफ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, बट वो ज़्यादा टाइम तक हम पहन नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है, वो कभी शू बाइट हो जाता है, कभी वो कहीं से पाँव के मतलब आगे उंगलियों से काटते हैं, कभी वो काटते हैं बैक से काटते हैं, तो वो बहुत अजीब लगता है। तो गाइज़, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ,
कि जूक कंपनी की ही, ये देखो जूक कंपनी। मैं एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अपनी इस चीज़ से कि मुझे कभी भी मतलब कोई ऐसी परफेक्ट चीज़ नहीं मिली जिसको मैं सबके साथ कैरी कर सकूँ। तो मैं एक दिन जूक को स्क्रॉल कर रही थी और वहाँ पे मुझे मिली ये कंफर्टेबल बहुत ही सुंदर सी जूतियाँ। एज यू कैन सी इसके नीचे ऊपर लिखा है, देखो जूक, यहाँ पर ब्रांड का नेम अच्छे से लिखा हुआ है जूक। और गाइज लिटरली ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, और ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मैं खुद को यहाँ पे, मैं लोगों के बीच में बैठी हूँ, मैं खुद को रोक नहीं सकती इसको पहनने से। तो मैं अभी जस्ट आपको इसको पहन के दिखाऊंगी और आप देखेंगे कि मैंने वियर किया है, स्कर्ट मैंने वियर की है, इसके नीचे भी ये जूती कितनी अच्छी जाएगी। एक सेकेंड गाइज, देखो मैंने वियर कर लिए ये जूतियाँ। एज यू कैन सी कितनी ज़्यादा एलिगेंट लुक दे रही है ये, कितना ज़्यादा सुंदर लग रही है। मैं आपको एक बार खड़े होकर दिखा देती हूँ, मेरी वायर को इग्नोर करना थोड़ा, माइक की वायर को, ठीक है। एज यू कैन सी दिस इज़ लुकिंग सो मच एलिगेंट, सो मच ब्यूटीफुल। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसमें कलर्स होते हैं, तो आप कुछ भी बाय कर सकते हो। और गाइज इसकी एक और स्पेशलिटी मैं आपको बता दूँ कि ये भी 100% वीगन है और इतना सॉफ्ट इसका सोल है कि यू कांट बिलीव, ये बिल्कुल भी आपको यहाँ से बाइट नहीं करेगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और ना ये यहाँ से आपको चुभेगा क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसकी ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। और गाइज लास्टली मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ इतना अच्छा, इसको परफेक्टली डिज़ाइन किया है कि इसमें आप बिल्कुल भी स्लिप नहीं होंगे। तो गाइज मुझे ये दोनों ही चीज़ें, मतलब दोनों चीज़ें क्या, जूक पे आपको बैग्स मिलते हैं, जूतियाँ मिलती हैं, सैंडल्स मिलते हैं, ये चीज़ें अगर आप जूक पे सर्च करोगे एक नंबर मिल रहे हैं आपको। तो गाइज ये पर्सेस और ये मेरी ब्यूटीफुल सी जूतियाँ, ये 100% वीगन लेदर से बनी है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो, किसी को भी गिफ्ट करना चाहते हो अपनी फैमिली में, या फिर गर्ल्स खुद के लिए ये लेना चाहती है, तो हरी अप गाइज, अब आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको मेरा कूपन कोड मिल जाएगा YTVYANKESH15, VYANKESH15 करके होगा, उस पर आपको वो वाला कूपन कोड यूज़ करना है ये कोई भी चीज़ बाय करने के लिए, और आपको मिलेगा 15% का डिस्काउंट। तो गाइज अगर आप परचेज करोगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपने किसके लिए कौन सी चीज़ परचेज की है। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। और गाइज वायदेव का मैं फटाफट बता देती हूँ, मौसम एकदम मौसम वाला हो सकता है, स्नोफॉल कभी भी हो सकती है, तो अगर आप आना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, इसके रिलेटेड भी एक फटाफट से वीडियो आने वाली। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय, लव यू ऑल।